वेलकम टू माय चैनल श्रीजी उत्सव। आज आपको हम अपने घर में जो हमारी टाडो रानी है, राधा रानी, उन्हें आए हुए पूरा एक साल हो गया, तो हमने उनका बर्थडे कैसे कैसे सेलिब्रेट किया और हमने उनके लिए क्या क्या तैयारी करी, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो हम उनके लिए नए नए वस्त्र खरीद के लाए। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए हैं, ये इत्र की शीशी है, और ये हमारी राधा रानी के लिए एक ड्रेस हम ये लेकर आए हैं। देखिए, और तरह तरह की, अलग अलग तरह की मैं ड्रेसेस लेकर आई हूँ अपनी राधा रानी को पहनाने के लिए। ये देखिए, सुंदर सी एक लाल रंग की पोशाक है, ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की है राधा रानी को उनके बर्थडे पर। और देखिए किस किस ने क्या क्या गिफ्ट किया। एक ये ड्रेस देखिए कितनी सुंदर है। ये सारी ड्रेसें जो हैं हम राधा रानी के लिए लेकर आए हैं और कई गिफ्ट भी करी है। एक ये देखिए, ये वुलन ड्रेस ही प्यारी सी है ये भी, और ये एक छोटी सी प्यारी सी कैप है। ये देखिए, ये उनके बैंगल्स, और ये उनका पूरा कलेक्शन है ड्रेसेस का। ये देखिए, तरह तरह की, अलग अलग तरह की इनकी सारी फ्रॉकें और ड्रेसेस जो हैं, वुलन भी, और जो आप ये देखिए फंक्शन पर्पज़ की है उनकी, सब अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं। ये जो मैंने सारा कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी राधा रानी के लिए उनके बर्थडे पर आया। और ये मैंने उनके लिए हलवा तैयार किया है जो कि उनके बर्थडे पर मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने देसी घी में गाजर को डालकर सबसे पहले उसे भून लिया है अच्छी तरह से। हमने गाजर का पानी सुखा दिया है। ये देखिए, इस तरह से पहले देसी घी डालकर आप सबसे पहले अगर गाजर का पानी सुखा लेंगे तो वो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, मैं गाजर को दूध में ही पकाऊंगी। और ये मैंने धीरे धीरे करके गाजर को पकाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये गाजर को सबसे पहले घिसा और उसके बाद मैंने ये गाजर को पकाना शुरू कर दिया। अब देखिए, गाजर ने जो था दूध में पकनी शुरू हो गई है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखिए, अब मैंने इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इस तरीके से हमें इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है, और हमें इसका पानी बिल्कुल जो है वो सुखा देना है। जब आप चीनी डालेंगे तो नेचुरली बात है कि गाजर जो है पानी छोड़ेगी, चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो इसके बाद हमें धीरे धीरे करके उसको देसी घी में और चीनी में भूनना है। अब ये देखिए, हमारी राधा रानी कैसे केक काट रही हैं। ये उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारी राधा रानी अपना केक काट रही हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी साथ में केक काट रहे हैं। हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे, और कमेंट कर मुझे बताएं।